हेलो गाइस, आज हम अपने लेक्चर में ले आए हैं एक और नया टॉपिक दैट इज कॉल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और प्रिंसिपल फिनिश करेंगे, देन इन कमिंग लेक्चर्स वी विल फर्दर स्टडी दिस टॉपिक। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखता हूँ, दैट विल भी हमारे पास आएगा, क्या आएगा हमारे पास, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं बात करता हूं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज कॉल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये इनका सबका एक मीनिंग है, इनका एक सबका मीनिंग आता है कि न्यूक्लियर क्या है, मैग्नेटिक क्या है, और इसका रेजोनेंस क्या, मतलब क्या स्पेसिफाई कर रहा है। तो आगे आने वाले जितने भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब क्या है, कि इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल तक हम इस वाले लेक्चर्स में अपना फिनिश कर लेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, दैट इज कॉल्ड एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे हम यहाँ पे देखें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या है, एक एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल टेक्निक से मैं बात करूं तो वही मैंने जो पहले अपने लेक्चर्स में पढ़ाया है कि दैट इज यूज्ड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अ सर्टेन एलिमेंट। और इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि यार क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, टाइप भी बता सकते हैं और क्वांटिटी भी बता सकते हैं। टाइप भी बता सकते हैं, क्वांटिटी भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि यार न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है, दैट इज अंडरगोइंग अ न्यूक्लियर स्पिन, दैट इज अंडरगोइंग अ प्रोटॉन स्पिन होता है, न्यूक्लियर स्पिन बोलते हैं जिसको हम। तो हमारे पास एक क्राइटेरिया आता है सबसे पहले जानने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन स्पिन, दैट इज कॉल्ड प्रोटोन स्पिन। अब प्रोटोन स्पिन किन एलिमेंट्स में प्रोटोन स्पिन हो सकता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रोटोन स्पिन, बिकॉज प्रोटोन स्पिन क्यों जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस क्या करता है, न्यूक्लियस के जो प्रोटोन स्पिन कर रहा है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होंगी कुछ, उसको यूज करते हुए हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस भी देता है, हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी देता है। तो सबसे पहले ये तो जाने ना कि यार प्रोटोन स्पिन किसकी चीज है, क्या है, क्या चीज कैसी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटोन स्पिन की, तो प्रोटोन स्पिन हमारे पास आता है, प्रोटोन स्पिन किन एलिमेंट्स में हो सकता है, प्रोटोन स्पिन की पॉसिबिलिटी किस किस केसेस में हो सकती है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर और जिनका एटॉमिक मास ऑड में है, जिनका एटॉमिक नंबर और आइदर एटॉमिक मास और बोथ ऑड में है, उनमें हम बोल सकते हैं प्रोटॉन स्पिन पॉसिबल होता है। देयरफॉर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पॉजिटिव रिजल्ट्स वही एलिमेंट्स देंगे जिनमें हमारे पास कैसा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होगा, ऑड में होगा। आइदर या तो एटॉमिक मास हो जाए या एटॉमिक नंबर हो जाए या दोनों हो जाए, कोई भी हो जाए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें हम लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, दैट इज 1H1, दैट इज हम बोल सकते हैं C6H13, हम बात कर सकते हैं फ्लोरीन 919। आप देख रहे हैं यहां पे क्या है, जो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर है, आइदर दोनों और कोई एक हमारे पास क्या है, ऑड में है, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा सकते हैं। बिकॉज इट एक्सप्लॉइट्स, क्या एक्सप्लॉइट करता है, न्यूक्लियस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आएगी, बिकॉज कोई चार्ज रोटेट कर रहा होगा, एक्सेलरेटरी मोशन होगा, तभी किसी चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी तो जनरेट होती है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ स्पिन हो रहा है, तो प्रोटोन स्पिन हमें उन एटम्स में देखने, उन एलिमेंट्स में देखने मिलेगा जिनका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास या तो एक या दोनों क्या हो, ऑड हो। ये बात समझ में आती है कि भाई प्रोटॉन स्पिन देखने के लिए मिलेगा। आगे में सिंपल तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली में होगा क्या, एक्चुअली में यहाँ पे अगर मैं देखूं सिंपल तरीके से, तो बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक करेक्टर, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात कर लूं, वो उसमें हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को करेक्टराइज करने के लिए हम यूज करते हैं ज्यादातर क्या, हाँ, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, भाई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं। तो उसके बेसिस पे अगर मैं बात करता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का करेक्टरिस्टिक्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का करेक्टरिस्टिक जानने के लिए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का करेक्टरिस्टिक जानने के लिए एक हमारे पास आती है 1H1 स्पेक्ट्रोस्कोपी, 1H1 टाइप ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर और उसकी क्वांटिटी डिस्कस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरी आती है हमारे पास, दैट इज सी
613, दैट इज, इससे बात पता चल रही है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम कार्बन की कंसंट्रेशन प्लस उसका टाइप्स, मतलब क्या कहते हैं कंसंट्रेशन और किस तरीके से अरेंज, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या है, उसको भी हम पता कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ये बात समझ में आती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिलेट करें तो, ये बात समझ में आनी चाहिए। आगे हम यहाँ पे देख लें तो अगर हम बात करते हैं कि क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, वो देखते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हम कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, उसका हमने क्या करा, एक प्रोटोन बना लिया, प्रोटोन बना लिया, कोई भी एक एलिमेंट जैसे मान लेते हैं जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा, एक्चुअली में जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी दिखाएगा वो एक एलिमेंट ले लिया, उसका प्रोटोन मैं आपको दिखा रहा हूं कि भाई प्रोटोन मान लेते हैं कि यार ये स्पिन कर रहा है, प्रोटोन क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। और प्रोटोन अगर स्पिन कर रहा है तो अगर मैं बात करता हूं प्रोटोन स्पिन की, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कुछ ना कुछ होगी, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड होगी उसकी क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिकॉज कोई चार्ज अगर रोटेट कर रहा है सर्कुलर पाथ में, स्पिन कर रहा है, दैट इज विल बी एन एक्सेलरेटरी मोशन। और एक्सेलरेटरी मोशन हमेशा क्या करता है, किसी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का या आयंस का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हम बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, वो डायरेक्शन डिपेंड करती है। मान लेते हैं कि ये जो प्रोटॉन है दैट विल बी रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज और उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड है, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड आती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस प्रोटॉन में हम क्या करते हैं, कोई एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, दैट इज बी नॉट, बी नॉट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अब ध्यान समझेंगे कि न्यूक्लियर का समझ में आता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में न्यूक्लियर वर्ड क्या है कि दैट एक्सप्लोइट्स द मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस, या रादर देन न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं प्रोटोन, बिकॉज उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स कौन सा है, प्रोटोन है। देन अगर हमारे पास सेकेंड चीज देखूं तो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज किसी एलिमेंट को हम क्या करते हैं उसके जो सर्टेन एटम्स हैं उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं टू द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, बाहर से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। अब उससे क्या होता है, उससे क्या होता है देखेंगे ध्यान से। अब उससे एक्चुअली में अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास आता है कि अगर मैं बात करता हूं, मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब मान लेते कोई एक एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं मान लेते हैं। अब ये जो चीज है जब तक हमने इसमें क्या करा मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, मान लेते हैं जब से हमने क्या करा कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी, तो अभी ये क्या कहते हैं रैंडमली अरेंज्ड है। रैंडमली अरेंज्ड मतलब अगर मैं बात करता हूं दिस इज द क्राइटेरिया, एक ऐसे है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो ये चीज हो जाती है। दैट इज अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास न्यूक्लियर स्पिन की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं किसी प्रोटोन की, दैट विल बी स्कैटर्ड, दैट विल बी हम बोल सकते हैं रैंडम डायरेक्शंस में है, रैंडम डायरेक्शंस में है। बट एज सून एज अगर हम बात करेंगे कि कोई भी हम यहाँ पे क्या करते हैं बी नॉट प्रोवाइड करते हैं, बी नॉट दैट इज मैंने बताया आपको कि बी एक्सटर्नल दैट इज मैग्नेटिक फील्ड कोई बाहर से हम उसको मतलब देते हैं, इरेडिएट करते हैं उसको, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जितने भी क्या होंगे, अब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहे हैं ये, क्योंकि जो भी हमारे पास चार्ज मॉलिक्यूल्स होता है अगर वो एक्सेलरेटरी मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ टाइनी मैग्नेटिक बार, टाइनी मैग्नेटिक बार मतलब हम मैग्नेट कंसिडर कर सकते हैं उसको। तो अगर ये तो पता होगा कि जैसे मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट को देने, तो दैट विल अलाइन इटसेल्फ, दैट विल अलाइन इटसेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द हम बोल सकते हैं जो हम मैग्नेटिक फील्ड उसे दे रहे हैं। तो इस अलाइनमेंट की वजह से, इस अलाइनमेंट की वजह से हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, इस अलाइनमेंट की वजह से हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, कौन कौन सी, इस अलाइनमेंट की वजह से हमारे पास दो कंडीशन आती हैं कौन कौन सी देखेंगे। तो अगर मैं मान लेता हूं कि मैं जो हमारे पास बी नॉट है वो मैं आपको दे रहा हूं डाउन टू टॉप दे रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं ये जो न्यूक्लियर मूवमेंट वो प्रोटॉन का स्पिन था उसकी वजह से जो मैग्नेट्स की तरह ये बिहेव कर रहे थे, ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास ऐसे भी होंगे जो हमारे पास सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे भी होंगे जो सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, और कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसे होंगे जो डिफरेंट डायरेक्शन में हो जाएंगे। मैं उनको सर्कल कर रहा हूं, जो डिफरेंट डायरेक्शन में है उनको मैंने सर्कल कर दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जिस जो अलाइन हो जाएंगे इन द सेम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हम उसको क्या कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे होंगे जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे।
अब मैं ध्यान से देखेंगे तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर न्यूक्लियर स्पिन की वजह से जो प्रोटॉन स्पिन हो रहा है टाइनी बार्स जो बन रहे हैं मैग्नेट के उसी डायरेक्शन में अपने मैग्नेटिक मोमेंट को अलाइन कर लेते हैं तो इनकी एनर्जी कम होगी देख लिख लेते हैं लो एनर्जी इनकी एनर्जी कम होगी और इनकी एनर्जी जिसने अपने मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट टू द आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रखा है अलाइन कर रखा है इनकी एनर्जी क्या होगी हाई एनर्जी होगी। ऐसे समझते हैं कि कोई अगर बच्चा इधर जाना चाहता है और उसी को उसको पीछे से इधर की साइड ही धक्का लग रहा है तो दैट विल बी इजियर फॉर हिम टू अलाइन दैट इज कम एनर्जी में जाना भी उधर चाहता है तो हमें धक्का भी तो कम लगाना पड़ेगा दैट विल बी द क्राइटेरिया और बच्चा जो इधर जाना चाहता है और हम धक्का इधर मार रहे हैं तो दैट इज विल बी एन अपोजिट फोर्स कि यहां से धक्का लग यहां से वो इधर जाना इधर चाहता है पर हम धक्का इधर मार रहे हैं तो दैट विल बी एन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं कि जिन प्रोटॉन्स का स्पिन उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है जिस डायरेक्शन में हमने आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड दी है ऐसे को बोलते हैं अल्फा स्पिन और दीज जो अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो गए जब हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या बी नॉट दैट इज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से क्या हो रहा है इनको हम नाम देते हैं बीटा स्पिन दैट इज द बीटा स्पिन। अब अगर हम यहां पर बात करें ये अलाइन हो गए मान लेते हैं अब ये अलाइन हो गए अलाइन होने के बाद क्या है अलाइन होने के बाद देखो ये लो एनर्जी और हाई एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता है क्या होता है कुछ डिफरेंस होता है लो एनर्जी टू हाई एनर्जी में कुछ डिफरेंस होता है जस्ट इमेजिन कि अगर ये लो एनर्जी वाले जो प्रोटॉन है दैट विल बी लाइंग एट 50 किलो जूल इमेजिनरी लेते हैं दैट विल बी लाइंग एट 50 किलो जूल और अगर मैं यहां पे बात करता हूं हायर एनर्जी विल बी लाइंग एट 100 किलो जूल पे है हाई एनर्जी तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। आगे यहां पे बात करता हूं कि इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब मेरा काम आता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज स्पेक्ट्रम की कोई ना कोई रीजन वाली लाइट हम यूज करेंगे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन से रीजन की लाइट यूज होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी या रेडियो वेव्स हम बोल सकते हैं रेडियो वेव्स इज इनफ टू हम बोल सकते हैं ऑल्टर द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस प्रोटॉन जो स्पिन कर रहा है उसके जो स्पिन है उसका जो स्पिन है उसको ऑल्टर करने के लिए उसको चेंज करने के लिए हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी भी बहुत होती है तो हम यहाँ पे यूज करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। क्या होता है कि लोअर से हायर एनर्जी में इन प्रोटॉन्स को लोअर से हायर एनर्जी में भेजने के लिए आप क्या करते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड तो है ही उन्होंने अपने आप को अलाइन कर ही रखा है अब हम क्या करते हैं सैंपल को इरेडिएट करते हैं सैंपल पे क्या डालते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हैं क्या डालते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी डालते हैं उस रेडियो फ्रिक्वेंसी से क्या होता है कि ये जो लो एनर्जी वाले प्रोटॉन्स हैं दे विल एब्जॉर्ब द एनर्जी बट क्वांटाइज्ड एनर्जी अगर मानते हैं कि भाई 50 किलो जूल चाहिए ना तो वो 50 किलो जूल ही लेंगे इफ यू गिव देम 63 दे विल नॉट टेक 51 दोगे तब भी नहीं लेगी तो एग्जैक्टली जो एनर्जी डिफरेंस है किसके बीच में अल्फा और बीटा बीटा इज अ हायर एनर्जी अल्फा जो है वो नीचे वाली एनर्जी है लोअर एनर्जी है तो अगर मैं बात करता हूं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी पे जाने के लिए हम बात कर सकते हैं सिंपल तरीके से क्या होगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर रही है रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर रही है होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ये बात आती है। तो अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि जब हमारे पास मान लेते हैं कोई स्पिन था और ये जो स्पिन है ये अल्फा स्पिन भी हो सकता है ये बीटा स्पिन भी हो सकता है कब जब हमारे पास सेम डायरेक्शन होगी किसके रिलेटेड में बी नॉट के रिलेटेड में बी नॉट हमने बाहर से दी उसके सेम डायरेक्शन हो गया दैट इज अल्फा स्पिन और अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन आ जाती है दैट विल बी अ B0 के अपोजिट डायरेक्शन में दैट विल बी बीटा स्पिन। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस रहा होगा दैट विल बी अ डेल्टा ई दिस विल बी एट हायर एनर्जी दिस विल बी एट लोअर एनर्जी ये बात समझ में आती ये डेल्टा ई हम प्रोवाइड करते हैं अल्फा से बीटा में जाने के लिए हम एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारे पास कौन प्रोवाइड कर रही है रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर रही है
रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर रही है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि जो अल्फा स्पिन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, बिकॉज लोअर से हायर जाने में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, लोअर से हायर जाने में एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अल्फा से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी कन्वर्टेड टू बीटा, एंड बीटा से एनर्जी वापस निकलेगी, क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी बीटा से, बिकॉज हायर से लोअर आने में तो एनर्जी रिलीज ही करनी पड़ेगी ना भाई। अगर 90 है उसको 30 बनाना है तो एनर्जी कुछ लेना पड़ेगा, उससे वापस खींचना पड़ेगा, 60 वापस लेने पड़ेंगे। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, रिलीज करवानी पड़ेगी एनर्जी। तो ये चीज समझ में आती है कि भाई प्रोटॉन स्पिन अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। कब? जब सेम में हो, जब अपोजिट में हो, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस है। अब क्या होगा, ये एनर्जी डिफरेंस कौन सेटिस्फाई करेगा, प्रोटॉन का स्पिन अल्फा से बीटा कौन करवाएगा, दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब हम बोल सकते हैं रेडियो वेव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड अगर हम बात करते हैं यही चीज जो होती है, दिस विल बी द कंसिडर्ड एज अ रेजोनेंस, रेजोनेंस कहलाती है, ये रेजोनेंस कहलाती है कि हम बोल सकते हैं कि रेजोनेटिंग कंडीशन आ गई। कब? जब हमने अल्फा से बीटा पे जाने के लिए एनर्जी डिफरेंस नाप लिया, और जब हम उसको इतना एनर्जी डिफरेंस दे रहे हैं कि भाई वो अल्फा से बीटा हो रही है और बीटा से अल्फा हो रही है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। आई होप सो गाइस न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का क्राइटेरिया क्लियर होगा। अगर मैं बात कर लेता हूं व्हाट इज द प्रिंसिपल, अब इतनी बात तो समझ में आती है भाई, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, इंट्रोडक्शन अगर मेरे पास समझ में आ जाता है तो प्रिंसिपल में कुछ बचता ही नहीं है, बस इसी को रिपीट करके बस प्रिंसिपल बताया गया है। प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल में सिंपल तरीके से बोलता है कि यार हर प्रोटॉन का कुछ डिफरेंट वेवलेंथ होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में भी डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट हल्की सी स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ होती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट ऑफ द प्रोटॉन, बिकॉज हर एटम का अपना अपना एक एनवायरमेंट होता है, हर एटम के प्रोटॉन का अपना अपना एनवायरमेंट होता है। कि भाई अगर मैं बात करते हैं हर एनवायरमेंट का अपना, मतलब हर प्रोटॉन का अपना एक एनवायरमेंट होता है, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सिंपल तरीके से कि हर प्रोटॉन का अपना अपना एनवायरमेंट होता है, अपना अपना एनवायरमेंट होता है। अगर मैं बात करूं कि इसके एनवायरमेंट के बेसिस पे डिफरेंट वेवलेंथ्स भी वो एब्जॉर्ब करेंगे जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में ही होगी, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेंज में ही होगी या रेडियो वेव्स के रेंज में होगी। समझ में आ रही बात, रेडियो फ्रिक्वेंसी के रेंज में ही होगी या रेडियो वेव्स के रेंज में ही होगी, डिफरेंट होगी। बट अगर मैं बात करता हूं कि प्रोटॉन ने अगर डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो जब वो अल्फा से बीटा हो गए ना, अल्फा से बीटा हो गए और बीटा से दोबारा, बिकॉज देखो अपने घर से दूसरे के घर पे चले तो गए, दैट इज वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले तो गए, बट हायर एनर्जी उनका घर थोड़ी ना है, हायर एनर्जी से वो दोबारा लोअर एनर्जी में आना चाहेंगे। जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना चाहेंगे, तब क्या होगा कि यार हमारे पास एनर्जी को रिलीज करेंगे, और वही एनर्जी रिलीज जो हुई है दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर। जो डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा वो कौन सी एनर्जी करेगा, जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वापस आएंगे, कुछ एनर्जीज को रिलीज करेंगे, उसी को डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब बीटा से अल्फा पे गए तो उन्होंने कुछ एनर्जी रिलीज करी, और यही रिलीज एनर्जी जो थी ये एब्जॉर्ब करेगी अल्फा से बीटा जाने में, अल्फा से बीटा जाने में रिलीज एब्जॉर्ब, और बीटा से अल्फा आने में रिलीज, और यही रिलीज एनर्जी क्या करेगा, डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। ये सिंपल हो गया हमारे पास, क्या कि भाई ये प्रिंसिपल हो गया हमारे पास सिंपल तरीके से। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास सिंपल प्रोसीजर है कि भाई कैसे पता लगा रहे हैं, क्या ये सिंपल तरीका से आ जाता है प्रिंसिपल। आगे मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में ये आपको बताऊंगा कि भाई इसके सैंपल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ सैंपल्स कितनी, टाइप्स ऑफ सैंपल्स कैसे सेटअप करते हैं।